को कई लोग अपना हीरो मानते हैं। कई फैंस तो सलमान के इस कदर दीवाने हैं कि उनकी आरती उनकी पूजा तक किया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस सुपरस्टार की जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया था जब इनके मन में सुसाइड करने का ख्याल आ गया था। जी हाँ, खुद की जान लेना चाहते थे सलमान। चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या थी। दरअसल सलमान खान को दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली एक बीमारी हो गई थी। सलमान ने अपनी इस बीमारी का खुद अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। सलमान ने बताया था कि उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया है, इसे सुसाइडल डिजीज भी कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान की नसों में इतना दर्द होता है कि उसके मन में सुसाइड तक के ख्याल आते हैं। वो दर्द बर्दाश्त करने लायक नहीं होता, ऐसा दर्द कि मन करता है कि बस खुद को खत्म कर लो ताकि ये दर्द का सिलसिला भी मिट जाए। सलमान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे दिमाग में भी कई बार सुसाइड के ख्याल आए, लेकिन मैं इस बीमारी से लड़ा। हालांकि अब बॉलीवुड के सुपरस्टार इस बीमारी से उभर गए हैं, लेकिन अगर हम कहें कि वो दौर सलमान की जिंदगी का बेहद मुश्किल दौर था तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शायद सलमान के माता पिता की दुआएं ही हैं जो वो सलमान को इस सुसाइडल डिजीज से बाहर निकाल कर ले आई। बात अगर सलमान के वर्क फ्रंट की करें तो आप लोगों को बता दें कि एक्टर टाइगर 3, कभी ईद कभी दिवाली, किक 2, दबंग 4 और बजरंगी भाईजान के सीक्वल जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।